आप कहते हैं आपकी लड़ाई बीजेपी से है और ट्रेडिशनल लड़ाई रही है बीजेपी से, आपके आपके कुछ कोर वोट यहां पे हैं, वो आपको वोट आते रहे हैं, लेकिन ये आप लोग सेल्फ गोल क्यों कर लेते हैं अशोक गहलोत जी? अब कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुजरात के बेटे को, आपके भाई को उसकी औकात बता रहे हैं, मुझे नीच कहते हैं ये लोग, आप लोग कांग्रेस को उसकी औकात बता दीजिए, अब फिर फंस जाएंगे आप लोग, क्योंकि वो गुजराती अस्मिता से इसको जोड़ देते हैं। अब अशोक गहलोत यहां कुछ भी कहते रहे, वो बात यही होगी कि औकात क्यों बताया। देखिए, गुजरात की अस्मिता का ज्यादा सवाल है, मोदी जी उनकी पार्टी ज्यादा कांग्रेस के जहन के अंदर है, क्योंकि गांधी का ये प्रदेश है, आजादी के पहले ही जो जंग लड़ी गई थी ये तो सब गायब थे, इनकी कोई भूमिका ही नहीं पार्टी की आजादी की जंग के अंदर। तो अस्मिता की बात अगर करें तो कांग्रेस नेता, चाहे वो महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, या उस वक्त में मुरारी भाई देसाई थे, और भी बड़े बड़े नेता थे, यहाँ पर चिमन भाई पटेल तक पहुंच जाओ, तो जो भी लीडरशिप थी यहाँ, हमेशा गुजरात अस्मिता को सामने रख के उन्होंने राजनीति करी है। तो एक जमाने में की कांग्रेस में गहलोत साहब ने, अब तो आप सब, अब अच्छा आप ये बता दीजिए गहलोत साहब, आप तो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, आप बहुत सीनियर नेता है, ये उनकी सफलता है कि 27 साल से वो जीत रहे हैं या कांग्रेस की विफलता है? कुछ तो होगा दोनों में से, एक उनकी सफलता है कि आपकी विफलता है? देखिए बात सुनिए, ये देश में खतरनाक राजनीति चल रही है, आज भी चल रही, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है, आग लगाना बहुत आसान होता है, आग को बुझाते हैं तो बहुत बड़ा तकलीफ होती है, टाइम लगता है, संघर्ष करना पड़ता है बुझाने के लिए, ये आग लगाने वाले पॉलिटिक्स करते हैं, इतने इनके लिए आसानी है, इनको देश की चिंता नहीं है, इनको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, इनको संविधान की धज्जियां उड़ानी है। कांग्रेस पार्टी संविधान का रेस्पेक्ट करती है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती है, 70 साल का इतिहास गवाह, इंदिरा जी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, देश आज एक व अखंड रहा है। तो ये आपकी विफलता है ना कि आप वो अगर आग लगाते हैं आपका तो आप विफल हो रहे हैं बुझाने में। ना, आज भी 27 साल के बाद में भी वोट परसेंटेज के हिसाब से हम बराबरी पे करीब करीब है, क्यों है उनसे? गुजरात के लोग इतने समझदार हैं, अभी भी पीछे है, गुजरात के लोग इतने समझदार हैं, 27 साल के बावजूद भी गांव में आज भी कांग्रेस का वही दबदबा है, शहरों में ये जो है अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, वहां चुनाव जीत के सरकार बनाते हैं लोग, आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी समझ है गुजरात वासियों में कि 27 साल के बाद में गुजरात में कांग्रेस आज भी मजबूत है, जबकि सत्ता में नहीं है 27 साल से, इसका आप इस रूप में लीजिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, पिछली बार 21 में से 16 सीटें जीत गई अहमदाबाद में, वो सूरत में 16 में 15 जीत गए, वडोदरा में 10 में 8 जीत गए, और ये आप सही कह रहे हैं, आपका असेसमेंट सही है कि 7 ऐसे जिले थे जिसमें बीजेपी 0 सीट पाई थी, 0, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते गहलोत साहब विक्ट्री में, और इस बार कह रहे हैं कि इस बार तो आप, मतलब राहुल गांधी भी कल आए प्रचार करने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।